Hello students, good morning. Welcome to SIS Online classes. Students, as that you know, your English test will be on tomorrow, 11 June, Friday. So, students, you have only one day today for complete your revision work and prepare of English test. Students, we have completed our English language revision work as uh, today in our last video, and today we are going to complete our English literature revision work in our two days class. Okay, so students, today's your class is very important because today we shall read and solve some important question of our chapter first and chapter second from our English literature book as we and our English literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Okay. So let's see exercise C of this revision work of our English literature. सब्जेक्ट ओके सो यो एक्सरसाइज सी इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर मिन उत्तर दीजिए द फॉलोइंग मीस निम्नलिखित क्वेश्चन मिस प्रश्नों के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके सो लेट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स फिल मीस भरिए इन मिस मे द्लैक्स मीस खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स इट्स मीन खाली स्थान को भरिए या रिक्त स्थान को भरिए विद मान्य सी या साथ में करेक्ट मीन्स सही वर्ड मीस शब्दों फ्रॉम मीन से दी बॉक्स मिस डिब्बा ओके ये बॉक्स में बोलते हैं इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दॉक्स बॉक्स बॉक्स से सही शब्दों को लेकर रक्त स्थानों की पूर्ति करिए खाली स्थानों को भरना है ओके लेट्स सी योर हेल्पिंग वर्ड्स आर जो आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए ना वो है फर्स्ट है रूम आर डबल ओ एम रूम रूम मीन कमरा ओके सेकेंड ड्रीम डी आर ई एम ड्रीम मीन्स सपना या स्वप्न ओके योर थर्ड नंबर वर्ड्स इज कैबेज एंड काले ओके सी ए डबल बी ए जी ई कैबेज एंड ई एंड के एली कैले ओके कैबेज एंड कैले कैबेज मींस होता है पत्ता गोभी एंड कैले इट्स अस्टूडेंट इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल होता है जिसे गोभी बोलते हैं मोस्टली अराइव अली इट्स अ नेक्स्ट वर्ड अराइव अली ए डबल आर आई वी ई अराइव ई ए आर एल वाई अल वली अराइव अली मीन्स स्टूडेंट होता है जल्दी पहुँचना अराइव मीन्स होता है आगमन या आना अली मीन्स होता है जल्दी से ओके अली इट्स अडवर्फ एंड अराइव इट्स अ वर्क क्लियर यूर नेक्स्ट वर्ड इज़ हैवी मील एच ई ए वी वाई हैवी एम ई एल मील हैवी मिल मीन्सेंड हैवी मिल हेयर द मीन ऑफ हैवी मिल दैट भारी भोजन या अधिक खाना ओके अधिक खाना या भारी भोजन क्लियर सो स्ट्रेंड्स लेट सी योर फर्स्ट नंबर वी कैन सी डैट ए नंबर सेन्टेंस यो ए नंबर सेन्टेंस इज द नेरेटर स्ट्रीम वाज टू हैव अ ब्लैंक ऑफ ए साउंड ओके फुल स्टॉप दी नरेटर्स या द मीन ऑफ नरेटर्स दैट लिटिल बॉय इस टाइम नरेटर का मीन क्या होता है नरेटर मीन होता है स्टोरी टेलिंग करने वाला कहानी को कहने वाला या बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो नरेटर है ना जो स्टोरी टेलिंग करने वाला है जो हमारा इज ये जो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब डेट डिस ए नंबर सेंटेंस बिलोंग्स आवर सेकेंड चैप्टर फ्रेंकनिट वैन फ्रेंकनस्टिट वा जस्टाकिड ओके तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना इंग्लिस लिटरेचर का वैन फ्रेंकनकिड उससे बिलोंग कर रहे हैं okay. उससे यह सेंटेंस टेकआउट किया गया है ओके okay. तो जो नैरेटर है ना यहाँ पे वो जो डरेटर कौन है वो लिटिल बॉय होता है ना जो ड्रीमिंग करता था ओके okay. जो ड्रीम करता था जो ड्रीमर बॉय था तो नैरेटर मीन स्टूडेंट होता है स्टोरी टेलिंग करने वाला इट्स मीन कहानी कहने वाला है ओके तो यू हियर द मीन ऑफ नैरेटर लिटिल बॉय ओके लिटिल बॉय उसी ने स्टोरी कही हुई है ओके okay, तो दैरेटर्स ड्रीम इट्स मीन लिटिल बॉय का सपना ओके okay? या बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग करने वाली का सपना कहानी कहने वाले का सपना वाज मीन्स था वाज इट्स अ पास कंटिन्यूअस इन सिंग्लो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब टू हैव अफिस इट्स मीन Uh, जो, uh, जो कहानी कहने वाला uh, के सपना ये बोल सकते कि छोटे लड़की का सपना ओके लिटिल बॉय ही लेंगे इसका सेंस ज़्यादा परफेक्ट रहेगा दरेटर्स डी वाज़ टू हैव अ ब्लैंक ऑफिस ऑन इट्स मीन कि बोल सकते हम लोग कि लिटिल uh, बॉय का या छोटे लड़के का छोटे लड़की का uh, सपना क्या था खुद का एक पर्सनल ओके ऑफिस ऑन मीन्स खुद का एक अपना खुद का अपना एक क्या मतलब वो बनाना चाहता था ओके okay? क्या चाहता कि मेरा खुद का एक पर्सनल तो रूम था ना करेक्ट वर्ड इज रूम ओके सो ऑल सेंट आउट दिस वर्ड रूम फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड रूम ऑन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर ए नंबर सेंटेंस देन योर सेंटेंस बिकम ड्रीम वॉज टू हैव अ रूम ऑफिस आउंड छोटे लड़के का सपना खुद का एक रूम था ओके okay, कि उसके पास एक खुद का एक रूम हो छोटे लड़के का सपना था कि उसके पास खुद का एक रूम हो टू हैव मिस होता है खुद के पास कुछ होना ओके टू हैव मिस होता है होना या पास में होना ऑफिस ऑन मिस होता है अपना खुद का ओके okay, दी नरेटर्स ड्रीम वाज टू हैव अ रूम ऑफिस ऑन छोटे लड़की का सपना था कि उसका अपना खुद का एक कमरा हो ओके okay, उसके पास अपना खुद का एक कमरा हो क्लियर

cabbage and kale okay cabbage and kale it's a correct word which can be right here in this is a second number blank to complete our b number sentence okay just then take out this word cabbage and kale and put this word put on this word uh, In this, uh, on this uh, second number blank to complete our b number sentence okay then your sentence become cabbage and kale are the things that frankenstein could have avoided eating कैबेज मीस होता है पत्ता गोभी एंड मीस और के लिए मीस होता है इट्स अ लाइक अ ग्रीन वेजिटेबल गोभी बोलते हैं मोस्टली कैबेज एंड के इट्स मीन पत्ता गोभी और गोभी आर द थिंग्स डैट फ्रेंकनस्टेंट कोड हैव अवॉइडेड इटिंग इट्स मीन जो कबेज एंड के इट्स मीन पत्ता गोभी और गोभी वो चीज़ें थी जिन्हें फ्रेंकनस्टेंट खाने से अवॉइड करता था जिन्हें खाने से वो अनदेखा करता था ओके okay, जिनसे दूर भागता था क्लियर ओके सी सी नंबर सेंटेंस या सी नंबर सेंटेंसेस आई एम फुल आई एम फुल मिसेंट होता है कि मेरा पेट भर गया ओके आई हैड अ वेरी ब्लैंक ओके आई अ वेरी इट्स मीन आई हैड अ वेरी मैंने बहुत कर लिया तो स्टेंट द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट है इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सी नंबर सेंटेंस इज हैवी मील ओके एच ई ए वी वाई हैवी एम ई एल मील हैवी मील मीस स्टेंट होते हैं भारी भोजन अधिक खाना क्लियर टू टेक आउट दिस वर्ड हैवी मील एंड पुट दिस वर्ड ऑन द थर्ड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सी नंबर सेंटेंस ओके देन अवर सेंटेंस बिकम आई एम फुल आई एड अ वेरी हैवी मीन इट्स मीन मेरा पेट भर गया है मैंने बहुत अधिक भोजन कर लिया था ओके मेरा पेट भर गया है मैंने बहुत अधिक भोजन कर लिया या मैं बहुत अधिक भोजन कर चुका था ओके okay. तो हैड इट्स अ पास टेंस ओके तो हैवी मिल इट्स अ करेक्ट ओके सॉल्ट स्टेंट राइट डाउन हियर हैवी मिल इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट टूट सी नंबर सेंटेंस ओके लेट्स सी डी नंबर सेंटेंस योर डी नंबर सेंटेंस इज द करेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब कलेक्शन इज ओके ब्लैंक फुल स्टॉप करेक्ट मींस सही वर्ब मींस क्रिया एडवर्ब मींस क्रिया विशेषक कलेक्शन मींस संग्रह इज मींस है द करेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब कलेक्शन इज इट्स मीन सही क्रिया और एडवर्ब का कलेक्शन है टू स्ट्रेंड Uh, the correct verb uh, plus adverb collection is arrive early. Okay, so send take out this word arri arrive early from the given uh, box and uh, take this uh, take out uh, put out this word on this uh, phone number blank to complete our D number sentence. Okay, then your sentence become the correct verb plus adverb collection is arrive early. ओके सही वर्ब और एडवर्ब का कलेक्शन है अराइव वाली अराइव मिस्टेंट क्या होता है अराइमिस होता है आना आगमन होना या पहुंचना बोल सकते हैं ओके मीन्स होता है आना या आगमन होना ओके अर्ली अर्ली मीन्स स्टेंट होता है हेयर द मीन ऑफ अर्ली जल्दी से ओके अर्ली इट्स एडवर्ब अराइव अराइविस होता है आना या आगमन होना तो जब आप कहीं जाते हो या होते जब आप कहीं जाते हो तो आप एक वर्ब करते हो ना तो अराइव इट्स वर्ब ये क्या एक वर्ब है क्रिया है तो अराइव इट्स अ वर्ब एंड अली इट्स अड एडवर्ब अर्ली क्या एक एडवर्ब है ओके okay? जो एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं तो अर्ली इट्स अड्जेक्ट क्लियर तो स्टूडेंट द करेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब कलेक्शन इज अराव अली इट्स मीन कि जो वर्ब और एडवर्ब का एड वर्ब का विकंड क्रिया और क्रिया विशेषण का जो सही संग्रह है वो है वाली इट्स मीन uh, जल्दी आना ओके okay? जल्दी आगमन होना या जल्दी से आना क्लियर अराइव वाली मीन सीजेंट क्या होता है जल्दी से आना या जल्दी से आगमन होना क्लियर लेट्स सी ई नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके लेट्स सी योर ई नंबर सेंटेंस इज दी ओल्ड बैगर्स क्वेश्चन वास व्हाट्स योर ब्लैंक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओके

कि बूढ़े भिखारी का प्रश्न था व्हाट्स योर आपका क्या आपका क्या है तो स्टूडेंट्स दी ओल्ड बैगर्स क्वेश्चन वाज व्हाट्स योर बूढ़े व्यक्ति का प्रश्न था आपका क्या है तो स्ट्रेंड दिस ई नंबर क्वेश्चन बिलोंग्स टू अवर चैप्टर

यू रिमेंबर दैट ये एक बॉय होता है ड्रीमर बॉय होता है लीची के पेड़ पे जो ड्रीम करता रहता था पूरे आफ्टरनून टाइम ओके तो एक ओल्ड बॉय अगर उसके पास आता है उसे बोलते हैं कि व्हाट्स योर ड्रीम तुम्हारा सपना क्या है तो वो डिस्क्राइब करता है कि मेरा सपना है कि आई वॉन्ट टू डेट आई हैव आउन आई हवा रूम ऑफिस आउन ओके कि मेरा खुद का आई हवा रूम ऑफ माई ओन कि मेरा एक खुद का मतलब रूम हो पर्सनल रूम हो ओके okay? क्योंकि सब रूम जो होता है शेयर करना पड़ता था इस वजह से तो जो ओल्ड बैकर्स था उसका क्वेश्चन क्या था स्ट्रेंड व्हाट्स योर ड्रीम ओके और इसी के क्वेश्चन को चैप्टर नीम बना दिया गया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया गया ओके okay? तो, तो द ओल्ड बैकर्स क्वेश्चन वाज व्हाट्स योर ड्रीम बूढ़ी भिखारी का प्रश्न था कि आपका सपना क्या है ओके द स्टेंट टेकआउट डिज़ व ड्रीम ओके फ्रॉम दी गिवन हेल्प बॉक्स एंड पुट दिसज वट ड्रीम इन ऑन योर फो सॉरी फाइव नंबर ब्लैंक टू कम्प्लीट दिस ई नंबर सेंटेंस देन योर सेंटेंस बिकम द ओल्ड बैगस क्वेश्चन वाज वट्स योर ड्रीम इट्स मीन भूरी भिकारी का प्रश्न था कि आपका सपना क्या है क्लियर स्टूडेंट्स लुक ली आई एम गोइंग टू रीड दिस सेंटेंस इज अगेन सो लिसन टू ली योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दैरेटर स्टीम वास रूम ऑफ इज ओके छोटे लड़के का सपना था कि उसका एक खुद उसके पास खुद का एक अपना रूम ओके यो बी नंबर सेंटेंस कैबेज एंड केले आर द थिंग दैट फ्रेंकल स्टीन कोड है पत्ता गोभी और गोभी वो चीज़ें थी जो फ्रेंकल स्टीन जिसे खाने से अवॉइड करता था जिसे दूर भागता था जिसे दिखा करता था ओके योर सी नंबर सेंटेंस आई एम फुल आई है आई हैड अ वेरी हैवी मीन इट्स मीन मेरा पेट भर गया मैंने बहुत अधिक भोजन कर चु कर चुका हूँ मैं बहुत अधिक भोजन यानी कर लिया था ओके मेरे पेट भर चुका है मैंने बहुत अधिक भोजन कर लिया था हैवी मिल मिस अधिक भोजन या भारी भोजन योर डी नंबर सेंटेंस इज द करेक्ट वर्प्ल एडवर कलेक्शन इज अराइव अर्ली सही क्रिया और क्रिया विशेषण का संग्रह है uh, जल्दी से आना या जल्दी से आगमन होना अराइव अर्ली ओके योर ई नंबर सेंटेंस इज द ओल्ड बैगाज क्वेश्चन वाज व्हाट्स योर ड्रीम बूढ़ी भिखारी का प्रश्न था कि आपका सपना क्या है क्या आई तो हैव डिस्क्राइब ऑल दिस सेंटेंसिस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड आई होप यू मस्ट हैस्ट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हेव नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ओके नाव ई आर गोइंग टू कंप्लीवर एक् 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 एक्सरसाइज डी ओके एक्सरसाइज सी हैज फिनिश नाव वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर एक्सरसाइज डी सो लुकर्ली व एक्सरसाइज डी इज मैच द कॉलम्स करेक्टली टू कंप्लीट द सेंटेंस ओके कॉलम को मैच करना है स्तंभों को मैच करना है करेक्टली मीन्स सही से करेक्टली इट्स यूर एडवर्व एक एडवर्व होता है ओके टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज मैथ्स द कॉलम्स करेक्टली टू कंप्लीट द सेंटेंसेज इट्स मीन वाक्यों को पूरा करने के लिए स्तंभों को सही से मिलाइए क्लियर लेट्स योर फर्स्ट नंबर योर फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर विथ विथ ईच लीव एंड लीमा बीन विथ ईच लीव एंड लीमा विथ मीन्स सातवी इच मीन्स प्रत्येक लीव मीन्स पत्ती एंड मीन्स और लीमा बीन मीन्स लीमा सेम ओके बीन मीन्स होते सेम विथ ईच लीफ एंड लीमा बीन इट्स मीन्स प्रत्येक पत्ती और लीमा सेम के साथ तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड विच वी कैन वी मैच टू फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ओके जिससे हम फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स से मैच कर सकते वो है स्टूडेंट्स हमारा फ्रेंकन स्टीन्स स्किन स्टीन स्टीन बी के ग्रीन ओके फ्रेंकन स्टीन्स मीन्स होते हैं फ्रेंकन स्टीन की अपोस्ट ऑफ ऐसे ना इट्स मीन होते काकी के ओके ये कॉमा लगा के ऐसा होता है ना कॉमा जो होता है जो उसके हेड पे लगा होता है किसी वर्ड के उससे बोलती है ऑफ ओके पोस्ट ऑफ एस मिस होते काकी के ये का रिलेशन को शो करता है ओके तो फ्रेंकन स्टीन्स स्किन बिकेम ग्रीन इट्स मीन फ्रेंकन स्टीन की स्कीन मीन्स त्वचा बिकेम बिकेम इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम बीकम मिस होता है होना बीके मिस हो गई क्लियर ग्रीन मीनस हरी फ्रेंकन स्टीन्स बीकेम ग्रीन ओके फ्रेंकन स्टीन्स स्किन बिकेम ग्रीन इट्स मीन फ्रेंकन स्टीन की त्वचा हरी हो गई विथ इच लीफ एंड लीमा बीन मैस टू फ्रेंकन स्टेन्स इज केन ग्रीन इट्स मीन प्रत्येक पत्ती और लाइमा सेम के साथ फ्रेंकन स्टेन की त्वचा हरी हो गई क्लियर लेट्स सी सेकेंड नंबर वीकेंड से बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स था देर वाज अ स्ट्रॉग स्मेल देियर मीनस वहाँ वाज मीस थी इट्स अ पास कॉन्टीन्यूवर्स टेंस इन सिंगल ऑफ एल में व आमी से एक स्ट्रॉन्ग मीस थेट यर द मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग थेट स्मेल मीन्स महक ओके देयर वाज अ स्ट्रॉग स्म्मेल वहाँ पे एक तेज महक थी ओके तो स्ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वो कहाँ पे इन दी हाउस में थी ओके तो स्ट्रेंड मैच बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फर्स्ट इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द हाउस ओके यू सेंटेंस बिकम देयर वाज अ स्ट्रांग स्मेल इन दी हाउस वहाँ घर में

ये जो हमारा जो फ्रिज है ना इट्स अ फ्रिज एक फ्रिज है वाक्यांश है एंड द टाइप ऑफ इमेजरी ऑफ दिस फ्रेज इज विजुअल ओके वी आई एस यू ए एल विजुअल है इसका टाइप ऑफ इमेजरी ओके तो स्टैंड विजुअल क्यों है इसका टाइप ऑफ इमेजरी स्टैंड वी हैव रीड टाइप ऑफ इमेजरी एंड डेफिनेशन ऑफ इमेजरी हम इमेजरी के प्रकार और उसकी डेफिनेशन दोनों रीड कर चुके हैं okay? ओके इमेजरी स्टूडेंट ये जो टाइप ऑफ इमेजरी विजुअल इट्स है क्योंकि स्ट्रेंट हैव यू एवर सीन अ सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज क्या आपने कभी देखा है सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज इट्स मीस चांदी के पेड़ पे चांदी का फल देखा है नहीं ना बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल ऐसा कहीं भी नहीं है ना तो कभी कोई सिल्वर ट्री होता है ना ही सिल्वर उस पर फ्रूट होता है तो वी कैन ओनली एंड ओनली इमेजिन दिस थाट हम सिर्फ इस ये जो दिस सीन ओके okay, हम इस सीन को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज कि हाँ एक चांदी का पेड़ ऐसा होगा उसमें एक चांदी के फ्रूट होंगे ओके okay, सिल्वर के फ्रूट होंगे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ना सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ना तो जब हम इसे इमेजिन करेंगे तो हम इसे uh, देखेंगे ना कि हाँ एक ऐसा चांदी का सिल्वर का फ्रूट था सिल्वर की ट्री पे है ना तो ये जो विजुअल आपका इमेजरी है टाइप ऑफ इमेजरी है क्योंकि ये इट्स रिलेटेड टू साइट ये साइट से रिलेटेड है ड्रेस से रिलेटेड है आप सिल्वर फ्रूट अपन सिल्वर ट्रीज देख सकते हो अपनी इमेज में अपनी कल्पना में ओके okay? तो डी टाइप्स ऑफ इमेजरी इज विजुअल वी आई यू एस ए एल विजुअल मीन्स होता है स्टूडेंट्स दृश्य ओके इट्स अ रिलेटेड टू साइट ये देखने से संबंधित है और इसका मीस होता है दृश्य क्लियर तो स्ट्रेंट मैच सी नंबर फ्रेज टू टाइप ऑफ इमेजरी इज अ विजुअल ओके तो जब सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्री इट्स ओनली फ्रेस था जब हमने इसको मैच किया टाइप ऑफ इमेजरी इज विजुअल ओके तो ये आप एक सेंटेंस बन गया क्लियर तो सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर थ्री इज मैच टू टाइप ऑफ इमेजरी इज विजुअल इट्स मीन चांदी के पेड़ों पर चांदी का फल और इसकी कल्पना का प्रकार है विजुअल इट्स मीन ड्रेस क्लियर लेट्स सी डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ओके यू डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली इज इट्स मीन मीनिंग अर्थ ऑफ हैटली का इज है मीनिंग ऑफ इट्स इट्स मीन का अर्थ है ओके द मीनिंग ऑफ प्रोपर्टली इज इमीडिएटली ओके इमीडिएटली मीन्स तुरंत फॉरन द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली इज इमीडिएटली सो स्वस्टेंट मैच डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली इज टू इमीडिएटली मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली जो है उसमें से मैच करेंगे इमिडियटली से इमीडिएटली मींस तुरंत या फॉरन ओके तो स्ट्रेंड्स मैच योर मीनिंग टू प्रॉपर्टली इज इमीडिएटली क्लियर तो प्रॉपर्टली का मीनिंग क्या होता है ओके इमेडिएटली मीन्स तुरंत या वी कैन से द मीनिंग ऑफ इमीडिएटली इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो इमीडिएटली वो किसका मीनिंग है प्रॉपर्टली का मीनिंग है पी आर ओ एम पी टी एल वाई ओके प्रॉपर्टली और प्रॉपर्टली का मीनिंग क्या होता है इमीडिएटली आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई इमीडिएटली मीन्स तुरंत तो मैच करिए meaning of import is yes, immediately okay let's see e number groups of words which is la last group of, of words of this exercise day. so look lally, your e number groups of words are these are my okay these means ye are means hai my means meri these are my ye meri hai twice okay twice it's a correct which uh, we can uh, which we can measure टू दीज आर माई ओके मैच ई नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिस आर माई टू टॉयस दैन योर सेंटेंस बिकम दिस आर माई टॉयस ओके ये मेरे खिलौनी टॉयस मीस खिलौनी टॉयस इट्स अ प्लुर फॉर्म ऑफ टॉय ओके टॉय मीस खिलौना टॉयस मींस खिलौनी ओके मैच दिस आर माई टू टॉय इट्स मीन ये मेरे खिलौनी क्लियर

ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स देयर वज्रॉग स्मेल सो मैच देयर वज स्ट्रॉन्ग स्मेल टू इंडिया हाउस इट्स मीन कमरे में वहाँ कमरे में तेज मैच देख लिया लेट्स सी सी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड योर सी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्सर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज सो स्टैंड मैच सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज टू टाइप ऑफ इमेजरीज विजुअल इट्स मीन चांदी के पेड़ पर पे चांदी का फल कल्पना का प्रकार है ड्रेस टाइप्स ऑफ इमेजरीज विजअल वी आई एस यू ए एल विजुअल इट्स रिलेटेड टू साइट इट्स मीन ड्रेस ओके यो डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली इज प्रॉपर्टली का अर्थ है इमीडिएटली तो स्टूडेंट मैच डी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टली इज इमीडिएटली इमीडिएटली मीन्स तुरंत फॉरन और ये किसका मीनिंग है प्रॉपर्टली का पी आर ओ एम पी टी एल वाई प्रॉपर्टली का मीनिंग है इमीडिएटली क्लियर लेट सी यो ई नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर दिस आर माई ओके सो स्ट्रेंट मैच दिस आर माई टू टस ओके देन योर सेंटेंस बिकम दिस आर माई टोयस ये मेरी खिलोनी This is my clone So then I will describe you all uh, sentences All groups of words of this exercise D And I hope you must have understood So student we have completed exercise C and exercise D Of this revision work of our English literature And I hope you must have understood What exercise C and D You have no problem in any sentence Any word because I have explained you all words All sentences So student today's class work is that Complete exercise C and D of revision work In your fair English literature notebook It's a two days class work okay. And your homework is that Learn exercise C and D of revision work From your fair English literature notebook टू डेज एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्लास करना है एक्सरसाइज सी ना एज इट इज नोट करनी अपनी फियर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक की बात कर रही सी डब्लू डेट एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज सी ओके तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सर नोट करना है ओके सिर्फ सेंटेंसिस नोट करना है ब्लैंक कर देना है एज इट इज नोट कर लेंगे उसके बाद राइट डाउन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन बाईन अपने राइट डाउन ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट यू कैन राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डिस्क्राइब यू ऑल सेंटेंसिस ऑल वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंसिस ऑफ दिस एक्सरसाइज क्योंकि मैंने आपको एक एक बार एक्सप्लेन किया तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर अपने मन से राइट डाउन कर सकते हैं ओके okay. जो अपने मन से राइट डाउन कर लेंगे आंसर उसके बाद आफ्टर इट मैच यू आंसर फ्रॉम दिस गिवि आंसर सीट आई हैव गिव दिस आंसर सीट आई हैव गि दिस आंसर सीट मैं आपको ये आंसर सीट दे चुकी हूँ आपको क्या करना है आंसर सीट से अपने आंसर मैच कर लेंगे ओके okay, जो भी रॉन्ग वर्ड होगा जो जो भी आपका आंसर रॉन्ग होगा उसे करेक्शन करेंगे उसमें एंड आफ्टर इट एट लास्ट एंड ओर इंग्लिश वर्क या जब करेक्शन करने के बाद मुझे अपना वर्क सेंड करना है क्लियर तो स्ट्रेंड आपका क्लास वर्क जब क्लियर हो जाएगा तो इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक भी आपकी एक्सरसाइज सी और डी नोट डाउन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे एक्सरसाइज सी ऑर डी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करेंगे ओके okay, बहुत अच्छे से लर्न करिए तो ये आपका होमवर्क क्लियर होगा तो स्टूडेंट यूर क्लास वा इन होमवर्क इस कलर ना तो स्टूडेंट कंप्लीट क्लास Note down we can see that complete exercise C and D of this revision work in your fair English literature notebook and send me your work here thank you